दोस्तों, जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं, अगर हम शर्ट की नाप ले लेते हैं तो हमें फ्रंट का नाप मिल जाता है। अगर हम टी शर्ट की नाप लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें सीना पूरा पूरा मिलता है, जैसे कि मैंने नापा हुआ है। तो मैं इसी नाप से कटिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये कपड़ा जो है 60 का पनहा है, चौड़ा पनहा। तो ये 1.5 मीटर कपड़ा है और पनहा की तरीके से बिछाएंगे हम। तो पहले कपड़े को उल्टा करके बिछाएंगे, और जो हमारा पनहा होता है ये चौड़ा पनहा होता है, तो हम जो जॉइंट का हिस्सा होता है इसे अपोजिट रखेंगे और किनारी वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लेंगे। तो इसमें हमारा फ्रंट नहीं नापा हुआ है, हमने पूरा पूरा चेस्ट नापा हुआ है, उसी नाप से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम किनारी छोड़कर पटरी जो हमारी होती है उतना ही चौड़ा, क्योंकि ये 1.25 तक हमारी पटरी होती है। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पटरी रखकर निशान लगा दें। तो किनारी छोड़कर निशान लगाएंगे और लंबाई आप थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि पटरी की लंबाई सिर्फ 24 है, हमें इससे बड़ी शर्ट कटिंग करना है। और उसके बाद ऊपर एक निशान लगा लेंगे छोटा सी, बस कपड़ा सीधा करने के लिए, जहाँ से हमारा कॉलर कटिंग होगा। उसके बाद हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई हमारा नापा हुआ है, ऊपर से बिल्कुल इंची टेप बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे, ऊपर हम मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि मार्जिन हम नीचे दे देंगे। तो लंबाई हमारी 28.5 है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 29 इंच। तो आधा इंच जो हमने बढ़ाया हुआ है ऊपर से हम सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। 29 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। दोस्तों, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये शोल्डर कभी हम 2 करते हैं, कभी 2.5 करते हैं, कभी 2.25 करते हैं। उसके बाद हम रखेंगे सीने की चौथाई। सीना हमारा 34 है, उसकी चौथाई करेंगे 8.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 3 निशान मिल गया है, शोल्डर का और आर्मोल का और लंबाई का। इसके बाद हम ये तीनों निशान को हम बड़ा करेंगे। दोस्तों, ये शोल्डर डाउन करने का हमें किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप इतना कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि किसी किसी का शोल्डर ज़्यादा डाउन होता है, किसी का कम डाउन होता है, तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग रहता है। मैं आपको इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पूरी। इस तरीके से हम 3 निशान लगा लेंगे और नीचे हमने एक जो हम दामन मोड़ेंगे उसके लिए आधा इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम कॉलर का निशान लगाएंगे। कॉलर हमारा 14.5 है, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका भी ये मतलब है कि अगर हम कॉलर का निशान हम कॉलर का 6.5 हिस्सा रखते हैं तो 1-2 सूत कम ज़्यादा चल जाता है, इसलिए हम अंदाज हमें पता रहता है कि 14.5 पे हम 2.5 रखेंगे तो हमारा बराबर आएगा। शोल्डर हमारा 16 है, 16 का आधा करेंगे 8 इंच आ जाएगा, उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं थंबनेल में लिखा भी था कि टी शर्ट की नाप से हम शर्ट कटिंग करेंगे। अगर हम शर्ट नापते हैं तो हमें फ्रंट मिल जाता है, अगर हम टी शर्ट पर नाप लेंगे तो पूरा पूरा सीना नाप लेते हैं। तो यहाँ हमारा सीना है 34 इंच, 34 की चौथाई करेंगे 8.5 इंच। अगर आप पूरा पूरा सीना नापते हैं फिट तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। और हाँ, और आपको अगर बिल्कुल फिटिंग शर्ट रखना है तो आप 1.5 इंच ही रखें, और लूज शर्ट के लिए 2.25 इंच। मगर यहाँ मैं मीडियम, ज़्यादा फिटिंग नहीं, ज़्यादा लूज नहीं, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच मार्जिन दे दूँगा, सीने की चौथाई रखूँगा और उसमें 1.25 इंच मार्जिन। इसी तरीके से हिप के पास जो नीचे हमारा है वहाँ पर भी देखो हमारा हिप 34 है, तो 34 की चौथाई रखेंगे 8.5 इंच और इसमें भी हम 1.25 इंच मार्जिन दे देंगे। तो हमारी ये लूज सिलाई मार्जिन भी हो जाएगी और लूज जो हमारी लूजिंग होगी वो भी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद पेड के लिए आप क्या करें, जो हमारा ऊपर का निशान आर्मोल का और लंबाई का निशान है उसका आधा कर लें, आप बीचों बीच में लगा लें। पेड इसमें हमारा बहुत कम है, पतला, जो आज जिनका पेड बिल्कुल नहीं है उनकी राउंड शेप कटिंग होता है, तो पेड की चौथाई रखेंगे 7.5 और उसमें भी 1.25 इंच की मार्जिन दे देंगे। ये तीनों निशान को हम राउंड शेप से मिला लेंगे। तो ये हमारा निशान हो गया, हम इसे राउंड शेप से मिला लेंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था, पहले हमने यहाँ पर दामन जो हमारा राउंड होता है एप्पल कटिंग, यहाँ पर हम दो इंच का निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे, तो ये हमारा दामन हो जाएगा। अब चलते हैं ऊपर। अब जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आर्मोल का राउंड करेंगे, तो आर्मोल जो हमने 8.5 इंच लगाया था निशान, वहाँ से हम अंदर 1 इंच और अंदर करके निशान लगाएंगे, तो ये हमारा आर्मोल का राउंड निकल आएगा। हम यहाँ से आर्मोल का राउंड शेप दे देंगे। अब इसे राउंड शेप दे देंगे, और याद रहे राउंड हमारा ज़्यादा अंदर से ना जाए, थोड़ा बाहर से रहेगा चलेगा,
क्योंकि अंदर घुस या तो फिर आस्तीन घुसी घुसी सी लगेगी। कॉलर का सेप दे देंगे, कॉलर हमारा 14.5 है, लिख देते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट, फ्रंट कटिंग हमारी पूरी हो गई। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट कटिंग करने के बाद हम बाइक की कटिंग करेंगे। बाइक कटिंग करने के लिए हमने जो जहाँ से हमने फ्रंट काटा है उसी कपड़े को बस उल्टा कर लेंगे और उस पर हम फ्रंट नाप लेंगे। पहले फ्रंट रख कर निशान लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना जाए। हमने फ्रंट बिछाया, जहाँ से हमारी फ्रंट कटिंग होने वाली वहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर उसी वहीं सर हम वहीं से जहाँ पर हमने निशान लगाया है फिर से हम उसे मोड़ कर फिर से बिछाएंगे। तो जो ऊपर का कपड़ा हमारा वेस्ट जाने वाला था बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। इस तरीके से हम फ्रंट को फिर से बिछाएंगे और फ्रंट हम 1.25 इंच, आधा से 1.25 इंच ज़रूर आप बाहर रखें। या हमारी बटन पट्टी जब बनेगी तो हमारा ये सेप आ जाएगा बराबर। तो हम यहाँ इसीलिए हम इसे बाहर करते हैं, 1.25 इंच हम इसे बाहर कर देंगे ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर से। उसके बाद जो हमने शोल्डर डाउन किया हुआ था वहीं पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहीं से हमारे शोल्डर कटिंग होने वाली है। निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने 1.25 इंच यहाँ पर बाहर किया हुआ था, इसी 1.25 इंच को हम यहाँ ऊपर चाहे तो बढ़ा लें तो ये हमारा शोल्डर बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और चाहे तो आप बैक के पल्ले को नाप भी सकते हैं। तो हमने यहाँ शोल्डर हमारा 16 था तो 8 उसका आधा हो जाता है 8 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो ये हमारा शोल्डर हो गया। उसके बाद हमने आर्मोल जो डाउन किया था 1 इंच हमने फ्रंट को अंदर किया था, तो हम यहाँ पर बैक को 1.25 इंच बाहर करेंगे क्योंकि हमारा बैक का पल्ला कम राउंड होता है। इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे और हल्का जो राउंड शेप, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप दे देंगे बैक के लिए ताकि ये फूले ना। पीछे से हमारी स्किन फूलती है, जो बैक पल्ला फूलता है, अगर राउंड हल्का रखेंगे तो नहीं फूलेगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग पूरी हो गई। दोस्तों वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। उसके बाद हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन कटिंग करने के लिए हम उसी पर जो कपड़ा हमारा है उसको डबल करके बिछाएंगे, क्योंकि दोनों आस्तीन हम एक साथ कटिंग करेंगे। डबल करके बिछाएंगे, 4 परत में कपड़े को बिछा लेंगे और इतना चौड़ा बिछाएंगे जितना हमने फ्रंट को डाउन किया था, मतलब आर्मोल काटा था 8.5 इंच। उसके बाद एक निशान हमने लगाया है सिलाई के लिए और दूसरा मार्जिन के लिए। आस्तीन की लंबाई हमारी है 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जितना भी हमें कफ लगाना है, कफ हमें यहाँ लगाना 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच चौड़ा है और 9 इंच कफ की लंबाई है। 24.5 पर बिल्कुल पकड़ेंगे, जहाँ तक हमारे देखो 24.5 इंच हमारी आस्तीन है, ऊपर से 24.5 पकड़ेंगे और नीचे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि कफ हमें 2.5 का लगाना है। और कफ की लंबाई है 9 इंच है, 9 का आधा करेंगे 4.5 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम उसमें सिलाई मार्जिन और छोटी सी प्लेट के लिए भी, उसमें प्लेट भी आ जाएगा, 1 इंच की प्लेट भी आ जाएगी उसमें, इसको निशान लगा लेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ आस्तीन के लिए। पहला निशान हमने लगाया हुआ है कपड़ा कटिंग करने के लिए, दूसरा सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर से 24.5 बिल्कुल 24.5 पकड़ेंगे, निशान लगाएंगे और कफ हमें 2.5 का लगाना है तो हम 2 पर निशान लगाएंगे। कफ की लंबाई हमारी 9 है तो 9 का आधा करेंगे 4.5 और उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो हमने आर्मोल काटा हुआ था इसे हमने डाउन किया हुआ था 8.5 इंच पर, याद रखें 8.5 पर हमने डाउन किया था। आस्तीन के लिए हम पहले तो 4 इंच इसे डाउन कर लेंगे, 4 पर एक निशान लगाकर इसे लकीर खींच लेंगे। उसके बाद जो हमने 8.5 इंच डाउन किया हुआ है आर्मोल को, हम 8.5 पर निशान लगा लेंगे बिल्कुल सीधा, तो इससे हमें आला भी नहीं छाटना पड़ता और हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम हल्का राउंड शेप से, जो हमारी राउंड पट्टी है क्योंकि ये फिटिंग थ्रेड है, तो इसको राउंड शेप से इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे।
ऊपर से हम जब कटिंग करते हैं तो 1.5 से 2 इंच हम बिल्कुल सीधा रखते हैं। अगर मोटे आदमी का है, कंधा मोटा गोला ज़्यादा होता है, तो आप कम से कम 2 पौने 2 तक सीधा रखें, और ज़्यादा ही छोप पतला है तो आप 1.5 इंच तक सीधा रखें, उसके बाद राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसके राउंड शेप दे के कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद तो हमने यहाँ पे 2 आस्तीन डबल, दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग की थी, तो हम क्या करेंगे, 2 आस्तीन को, 2 पल्ले को अलग करके अपनी तरफ खोलेंगे, उसे आधा आधा करेंगे, और जितना हम सिलाई मार्जिन देने वाले हैं आस्तीन की जो सिलाई करेंगे उतना ही हम इसे बाहर करेंगे, उतना इंच हम बाहर कर लेंगे। और नीचे के पल्ले पर हम चकपट्टी का निशान लगा लेंगे, 5 इंच के निशान लगा लेंगे। नॉर्मल आप मीडियम साइज़, छोटी साइज़, बहुत छोटी है तो आप कम भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 इंच का निशान लगाएं। ये हो गई हमारी चकपट्टी की कटिंग। अब यहाँ पर ध्यान दें, दोस्तों जो हमने आस्तीन की चकपट्टी काटी है ये अपोजिट है दूसरी तरफ, और फ्रंट जो हमारा राउंड होएगा उसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट का हम 1.25 इंच और डाउन करेंगे, इसका गहरा और गहराई बढ़ाएंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग पूरी हो गई। इसके बाद हम कटिंग करेंगे शोल्डर की, तो डबल शोल्डर हमारी कटिंग करना है। डबल कपड़े को कर लेंगे, कपड़े को डबल करके बिछाएंगे और इसे मोड़ लेंगे। कपड़ा इतना दूर तक मोड़ेंगे जितना हमारा शोल्डर आ जाए। शोल्डर हमारा 16 है। फिर शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, दो ऊपर नीचे 2 निशान लगाएंगे 5.5 पर, और इसको मिला लेंगे। इसके बाद एक निशान और लगाएंगे 1.25 पर, अब इसको भी सीधा सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलर का निशान लगा लेंगे। कॉलर हमारा 14.5 था, हम यहाँ पर 2.5 इंच निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कॉलर का राउंड यहाँ से बनेगा। और फिर शोल्डर की लंबाई रखेंगे, शोल्डर हमारा 16 था, उसका आधा करेंगे 8 इंच, और आधा इंच सिलाई मार्जिन 8.5 इंच। इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे। और जो शोल्डर का हमारा राउंड होता है, हम ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 1.25 इंच रखेंगे, क्योंकि आप 1.25 पर रख सकते हैं, मगर ये छोटे की शोल्डर है, आप साइज़ बहुत पतला है, तब यहाँ पर हम रखेंगे 1.25 इंच। इस तरीके से इसको भी निशान लगा लेंगे। और शोल्डर की लंबाई हमने ऊपर रखा हुआ था 8.5, 8.5 यहाँ पर नीचे भी लगा लेंगे, और ऊपर से 2 सूत बड़ा करके लगाएंगे और राउंड शेप से दे देंगे। इसको हल्का राउंड शेप से निशान लगाएंगे, जैसे कि हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर पूरा हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करा करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।